वाह वाह ऋषि, 4 ट्रॉफी इन चेस। थैंक यू डैडा। ये आपको पता है डैडा, आज ना मेरी बेस्ट फ्रेंड वंशु की डांस टीम ने भी फर्स्ट प्राइज जीता है। अच्छा, सो डबल धमाल। तो आज की पार्टी मैं उसके साथ करूं? प्लीज प्लीज प्लीज, बस कॉफी शॉप में कॉफी, एक चीज केक और घर आकर बहुत सारा धमाल। डैडा प्रीटी प्लीज। जा ऋषि, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू बेस्ट डैडा इन द वर्ल्ड। वंशु को बताती हूँ। हे एंड ये, आज हम दोनों ने फर्स्ट प्राइज जीता है। ये तो पार्टी तो बनती है। देख मैंने ना पापा से ऑलरेडी परमिशन ले ली है, वो मैं कॉफी शॉप भी जाने दे रहे हैं। हमने जो मैचिंग ड्रेस ली थी ना वही पहन के चलते हैं। टू विनर्स टेकिंग ओवर द वर्ल्ड वन स्टेप एट अ टाइम। सॉरी आरुषि यार, आज तो मैं फ्री नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी तो कहीं और प्लान्ड है। तुझे पता है मेरे ग्रुप ने पब बुक किया। पब? Oh my God, my first pub experience! अब वो लोग कह रहे थे हम डांसर्स हैं, तो कॉफी शॉप में थोड़ी ना करेंगे पार्टी। और तुझे पता है, सुन, मम्मी मना कर रही थी। लेकिन फिर हमारा सीनियर हॉटी मॉन्टी, हाँ वही, तो उसने मम्मा से बात की, उसके बाद मम्मी ने फाइनली परमिशन दे दी। और 10 लोगों का ग्रुप है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को वो खुद ड्रॉप करेगा। ये और तू और मैं तो रोज मिलते रहते हैं, कभी भी कर लेंगे पार्टी। ओके, हैव फन। ऑफ कोर्स। अच्छा आरुषि, आई विल सी यू टुमारो। ओके बाय। सी यू। आरुषि। यस डैडा। इट्स टू लेट, लैपटॉप बंद करो। ओह प्लीज। नथिंग, दूध पियो और सो जाओ। कम ऑन। ओके। Now you sleep. Good night. Good night, Dada. आरुषि यहाँ पे बहुत नॉइज है, मैं तुझसे कल बात करती हूँ, ठीक है? बाय। पर सुन, सी, ओह वाओ कूल, नेट पे 5। ओह इट्स लेट आरुषि, मुझे जाना होगा। कहाँ? तू अभी तो आई है, ऑलरेडी जाने की बात कर रही है। वंशु तेरे पास ना आजकल मेरे लिए टाइम नहीं है। हाँ ओवर ड्रामेटिक मत बन, अभी तेरे साथ ही तो हूँ। ओ हेलो, तू अभी आधे घंटे पहले आई है और ऑलरेडी जाने की बात कर रही है, नॉट फेयर। और ऋषि मेरी ना डांस क्लासेस रहती है, अब तेरी तरह मैं वो अकेले करने वाला एक्स्ट्रा करिकुलर वो तो कर नहीं रही हूँ। और वैसे भी तुझे किसी की क्या जरूरत, मेरी नर्डी, तू तो चेस चैंपियन है ना, पर मुझे तो मेरे ग्रुप के साथ ही प्रैक्टिस करनी होती है। और अब इतना बड़ा ग्रुप है तो उसमें पार्टीज भी होती है और उसे अटेंड भी करना पड़ता है। एंड मेरे टीचर के अकॉर्डिंगली टू हैव अ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इन द डांस, हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं भी डांस ज्वाइन कर लेती हूँ। तेरे पास तो मेरे लिए टाइम है नहीं, तो इस बार हम लोग साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे। तू पागल है क्या? You are so good at chess, bro. दूर-दूर के स्कूल तक तेरे जैसा कोई नहीं है। And it's time to enter in state level. और तू वो छोड़कर डांस करना चाहती है। एक मिनट, डांस तो तुझे कभी पसंद भी नहीं था, हम्म? You're right. मुझे डांस नहीं पसंद है। पर मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत पसंद है। और उसके लिए मैं इतना कर सकती हूँ। तुझे कोई प्रॉब्लम है अगर मैं डांस ज्वाइन करूँ? अरे मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? I will be very, very happy to have you in our team. पर मैं चाहती हूँ तो इस बारे में पहले सोच ले। सोच लिया, मैं डांस ज्वाइन कर रही हूं। ओके।
डैडा मुझे स्कूल का डांस क्लब ज्वाइन करना है। तुम्हें डांस तो कभी पसंद ही नहीं था, तो ये डांस क्लब का ख्याल कहां से आया? वो ऐसे ही। पर बेटा पढ़ाई के साथ साथ चेस और डांस मुश्किल नहीं हो जाएगा? चेस तो छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा करिकुलर पर ध्यान दे पाऊंगी ना। आरुषि बेटा प्लीज डैडा। बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू आर रियली गुड एट चेस, आर यू श्योर अबाउट इट? यस आई वांट टू। ओके मैं फोर्स नहीं करूंगा, जो आपको करना है करो। थैंक यू डैडा, यू आर द बेस्ट डैडा इन द वर्ल्ड। मैं वंशु को बता कर आती हूँ। कट द म्यूजिक। आरुषि आज के लिए आप साइड में आ जाओ और सिर्फ देखो। सॉरी सर। Are you sure you want to do this? अच्छा ठीक है, अगर तू कहे तो मैं तेरी प्रैक्टिस में मदद कर सकती हूँ। सच्ची? मच्ची। अब तुझसे दूर क्यों? पास होके भी ना हूँ, तेरे बिन मैं क्यों? Cool, yay! मैं ला देती हूँ। हाँ। I'm improving, right? हाँ। पहले से तो बहुत improvement है। अच्छा आरुषि एक बात बता, तू अच्छी खासी चेस छोड़कर डांस क्यों ज्वाइन करना चाहती है? मतलब डांस तुझे अच्छा भी नहीं लगता, तो जो तुझे पसंद है वो करना। Because I miss my best friend. और इसी बहाने मुझे तेरे साथ स्पेंड करने को टाइम मिलेगा। And then all the success parties that you attend, हम साथ में अटेंड करेंगे, कितना मजा आएगा ना? Are you mad? ये कोई रीजन होता है अपनी हॉबी सिलेक्ट करने का? अगर तुझे नहीं समझ आ रहा है तो मैं बता दूं कि ये सब मैं तेरे लिए कर रही हूँ। Exactly, आरुषि कितना सिली सा रीजन है। तू हमें बेस्ट फ्रेंड्स है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम हर एक चीज साथ में करें। Are you scared that I'll get better at dance than you? Oh please, अपने आप को देख, चश्मा पहन और चेस खेल। How dare you? How dare you? You Vanchu, Vanchika, stop, Vanchika, stop, Vanchu! क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो तुम दोनों? अंकल पागल हो गई है ये जैसी चुड़ैल थी वैसी चुड़ैल ही रहेगी। आरुषि she was never my friend। आप इससे पूछो ना ये अच्छी खासी चेस छोड़कर डांस क्यों कर रही है? Idiot। Hashtag real truth। मैं डांस इसलिए कर रही हूँ that I can show you I'm better at dance than you। हा 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 बड़े जोक। तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बचपन से खराब था और तेरा दिमाग। ठीक है जा, मुझे भी तेरे जैसी दोस्त की जरूरत नहीं है। ठीक है मैं भी बहुत जल्द डांस की फर्स्ट रो में खड़ी हूँ। फर्स्ट रो में इन योर ड्रीम्स। आरुषि 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 ये सब क्या था? वंशु और तुम नर्सरी से साथ में हो, दिस इज हाउ यू बिहेव विद योर बेस्ट फ्रेंड? क्या हुआ है मुझे बताओ। डैडा ये सब मेरे और वंशु के बीच की बात है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। Good morning. सुना था टीन गर्ल्स डिफिकल्ट होती है हैंडल करने में, आज तो फेस भी कर रहा हूँ, थोड़ी हेल्प मिलेगी इस मैटर में डील करने के लिए? We are teen girls, Dad. हमें स्पेस चाहिए। We are not cases. Hashtag truth of life.
सो गाइस कंपटीशन में सिर्फ एक महीना रह गया है एंड न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हमें पोजीशन चेंज करनी होगी। मुझे पता है ये काफ़ी टफ डिसीजन है एंड आप में से काफ़ी लोग तो 6 मंथ से प्रैक्टिस भी कर रहे थे बट समवन हैज़ टू गो एंड दैट पर्सन इज आरुषि, 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 तू तो यही चाहती थी ना, खुश है तू अंशु? आरुषि, आरुषि, वी नीड टू टॉक। डैड, आई नो आर्ग्यूमेंट्स, मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं। तुम्हारी डांस टीचर का फोन आया था, कह रही थी कि हाँ, नहीं हुआ मेरा डांस टीम में सिलेक्शन। ओके, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है, बिकॉज आपको भी यही लगता है कि मैं डांस नहीं कर सकती हूँ, और ये तो होना ही था। हाँ, come with me, come on, come। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम डांस नहीं कर सकती, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा डांस करने का रीजन गलत था। सिट डाउन। देखो बेटा, जब कोई भी चीज करनी हो ना और उसमें मेहनत लगी हो, मन कर रहा हो कि यही करना है, तो अगर कोई चीज नहीं भी आती है ना तो अपने आप आ जाती है। लेकिन वही चीज आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, या फिर आप उन्हें सबक सिखाना चाहते हो कि आप भी कर सकते हो, तो वो दिल से कैसे होगी? वो तो रिवेंज और नेगेटिव कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग से होगी ना। इसीलिए वो करो जो सच में तुम करना चाहती, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। वी आर नॉट हियर टू टीच समवन अ लेसन, वो भी अपनी फ्रेंड को, वो भी बेस्ट फ्रेंड। नो बेटा, वंशु तुम्हें शायद ठीक से समझा नहीं पाई, बट वो सिर्फ यही कहना चाहती थी, यू शुड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो क्या कंपीट करना रॉन्ग है डैडा? नहीं, कंपीट करना रॉन्ग नहीं है, गलत रीजंस के लिए कंपीट करना रॉन्ग। किसी को सबक सिखाने के लिए कुछ करोगी तो लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगी। इसीलिए जिंदगी में जो कुछ भी करो अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं। राइट डैडा, आई थिंक आई ओ एन अपोलॉजी टू वंशु। ये हुई ना बात, क्या मैं उससे मिलने जा सकती हूँ? इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो यही। I'm sorry. No, I'm sorry. तू सही कह रही थी, मैं बिल्कुल पागलों की तरह एक्ट कर रही थी। मैं बस तेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उस चक्कर में मैंने हमारी फ्रेंडशिप ही स्पॉइल कर दी। नहीं यार, मैंने भी सही एक्ट नहीं किया, मुझे भी थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए था। लेकिन जहां तक बात हमारी दोस्ती की है, वो कभी स्पॉइल नहीं होने वाली। I will always be there for you. मैं भी। वैसे ना, तूने सही किया था डांस जॉइन करके। मतलब अगर प्लेसमेंट की बात नहीं होती तो हम दोनों साथ में डांस कर रहे होते। तू रहने दे, तू ये सब बस इसलिए बोल रही है क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उस ग्रुप में मुझसे बेटर डांस करने वाले लोग थे। You're right. मुझे डांस नहीं पसंद है, और जो चीज जबरदस्ती की जाए वो कभी कैसे सही हो सकती है? वाह वाह वाह, कितना दिमाग पर मेरी बेस्टी ने। आहा, तू तो रहने दे।
अच्छा अच्छा सो डोंट बी जेलस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।